मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने ग्वालियर व्यापार मेले से वाहन खरीदने पर रोड टैक्स यानी कि लाइफ टाइम टैक्स में 50% छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह छूट मेला अवधि के दौरान ही मिलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश या दूसरे राज्य के व्यक्ति को मेले से वाहन खरीदने पर छूट का लाभ तभी मिलेगा जब वह ग्वालियर RTO से रजिस्ट्रेशन कराएगा। कयास लगाए जा रहे हैं छूट मिलने से इस बार मेले में बंपर कारोबार होगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में 41 दिन लगे मेले में 857 करोड़ रुपए के वाहन बिके थे। वहीं COVID-19 के चलते मेला 19 दिन कम लगा था। इस बार 60 दिन से ऊपर मेला लग सकता है। 21-22 में कोरोना संक्रमण के चलते मेला नहीं लगा था। इस बार अभी तक फिलहाल संक्रमण के हालात नहीं है। 25 दिसंबर से मेला लगना तय है। परिवहन विभाग ने मेले की प्रस्तावित तारीख को देखते हुए रोड टैक्स में छूट का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। मेले में मिलने वाली इस छूट के बारे में ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के सचिव निरंजन श्रीवास्तव ने जानकारी दी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो 50% रोड टैक्स की छूट होती है, उसका गजट नोटिफिकेशन कल से शासन ने जारी कर दिया है। और जो उसके व्यापारी हैं, उन्होंने अपनी दुकानों के आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। पिछले साल हमारा करीब 850 करोड़ का बिजनेस हुआ था ऑटोमोबाइल फील्ड में, और इस बार का हमारा है 1000 करोड़ के ऊपर तो निकलेंगे। और हमारा टारगेट हमने अपना 1200 करोड़ का रखा है कि इतना बिजनेस होगा, क्योंकि ई वाहन भी बढ़ गए हैं और ई वाहनों के काफ़ी स्टॉल इस बार लगने जा रहे हैं। करीब 25 से अधिक स्टॉल ई वाहन के लगने जा रहे हैं। उनके आवेदन आ चुके हैं और उसकी कार्यवाही चल रही है।